हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आई एस। माई नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम 18 सितंबर के प्रिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, करेक्ट ऑप्शन बताइए कैनासूर फॉरेस्ट डिसीज के बारे में। पहला स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे, KFD इज कोस्ड बाय कैनासूर फॉरेस्ट डिसीज वायरस। वेरी ट्रू, KFD इज एक्चुअली कोस्ड बाय द कैनासूर फॉरेस्ट डिसीज वायरस। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज, हार्ड टिक्स आर द रिजर्वियर ऑफ द KFD वायरस। हार्ड टिक्स इसके सोर्स होते हैं KFD वायरस के। हार्ड टिक नहीं जानते, जो इंसेक्ट नहीं होते जानवरों पे लगे रहते हैं, तो वो रिजर्वियर है इस वायरस के, ठीक है, जानवरों पे लगे रहते हैं हार्ड टिक्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रोडेंट्स स्ट्रूज एंड मंकीज आर कॉमन होस्ट फॉर KFD आफ्टर बींग बिटन बाय एन इन्फेक्टेड टिक। ये जो टिक्स होती हैं, जो इन्फेक्टेड होती हैं, ये एनिमल्स पे चिपकी रहती है, रोडेंट पे, मंकीज पे, फिर ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर देती हैं, फिर ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं कॉन्टैक्ट में आके। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये डिसीज़ याद रखिए, तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट ऑप्शन बताइए हंटिंग डिसीज़ के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाँ सही, HTT नाम के जीन में म्यूटेशन हो जाता है। हाँ सही। थर्ड स्टेटमेंट है, हंटिंग नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस होता है HTT जीन के द्वारा। हाँ बिल्कुल सही, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा मैं एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले आप खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, अगर आपने नहीं किया हो तो ये कीजिए, पॉज करके कीजिए, मैं समझा देता हूँ। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है एल्बिनिज्म के बारे में। पहला स्टेटमेंट, रेयर डिसीज़ है, मेलन पिगमेंट की अब्यूडेंस हो जाती है स्किन, हेयर और आइज़ में। अब्यूडेंस यानी भारी मात्रा में प्रोड्यूस होने लग जाता है, गलत, कमी हो जाती है इसकी पिगमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि ये एनिमल्स में भी होता है। हाँ ये सही है, बताना इनकरेक्ट। तो पहला इनकरेक्ट है, अब्यूडेंस नहीं होती, लैक हो जाती है, मात्रा में कमी आ जाती है, मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ जो है लोगों पे वाइट वाइट सी जो है स्किन हो जाती है उनकी, तो वो काफ़ी जो है बीमारी, ये थोड़ी सीरियस है क्योंकि काफ़ी बीमारियों को ये न्योता देती है और इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो मेलानिन पिगमेंट की कमी रहती है उनमें, तो उसको जो है एल्बिनिज्म कहते हैं, और इसका एल्बिनिज्म डे भी आता है। तो याद रखिए एल्बिनिज्म जो है स्किन, हेयर और आइज़ में जब मेलानिन की कमी हो जाए, एनिमल्स में भी है ये। ए इसका आंसर हुआ, इनकरेक्ट बताना था ए, एब्यूडेंस नहीं है, लैक है। अमेरी आई सेल्फ कहाँ है, ए अंटार्कटिका के ईस्ट कोस्ट पे, सही। एट द हेड ऑफ प्रेडिस बे बिटवीन लैर्स क्रिस्टनिन कोस्ट एंड इंग्रिड क्रिस्टनिन सो कोस्ट, बिल्कुल सही, दोनों यहाँ पे सही है। सी, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपको, फटाफट जो आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देके रिवाइज आपका करवा दूंगा। करेक्ट ऑप्शन बताइए, ब्लेजर्स यूनिवर्स के ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक है। हाँ बिल्कुल सही, फोटो देख लीजिए इनकी, बहुत ही शानदार चमकदार है। ब्लेजर्स एक्टिव गैलेक्सीज के जैसी ही होती हैं, और ब्लैक होल से, सुपर मासिव ब्लैक होल से एनर्जी एक्वायर करती है उसके मैटर से, बिल्कुल सही। बीच में ब्लैक होल टाइप होता है इनके, बहुत तेज़ी से एनर्जी लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। करप्ट ऑप्शन बताइए सोलिडिटी ट्रायल के बारे में। सोलिडिटी ट्रायल एक इनिशिएटिव है WHO के द्वारा, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया भी उनमें से एक है जो इस ट्रायल को चला रहा है, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ना तो स्टैचू है, ना ही स्टैचू रूल है, ना ही रेगुलेशन है, बिल्कुल सही। फ्लैग को हमारे पिंगलिया विकनया नाम के आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया, बिल्कुल सही। एक बात याद रखिए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फ्लैग के बारे में आपको नॉलेज रखनी चाहिए, और इसलिए मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हमारा ना ही कोई स्टैचू है, ना ही स्टैचू रूल है, कानून है पर स्टैचू में नहीं है। होता क्या है, कई सारे कानून पहले हमारे खूब थे नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करने की, गवर्न करने के लिए, जैसे एम्ब्लेम्स एंड नेम्स एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल होनर एक्ट 1971, इन सबको मिला के काय में डाल दिया नेशनल फ्लैग ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 आया, उसमें इन सारे कानूनों को एक जगह कर दिया। तो ये कोड है, खुद अपने आप में कोई स्टैचू नहीं है, स्टैचू रूल नहीं है, ना कोई रेगुलेशन, ठीक है, एक कोड है एक तरीके से। बनाया किसने था इसको, डिज़ाइन किसने किया था हमारे देश के नेशनल फ्लैग को, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को, पिंगाली वैकनया, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, शानदार आर्टिस्ट थे, आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है। झंडा यही डिज़ाइन करके गए थे, हमारा खादी से बनता है हमारा झंडा, कानून में लिख रखा है साफ साफ।
और सारी पावर इसको मैन्युफैक्चर करने की केवीआईसी के पास है, खादी डेवलपमेंट विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग झंडे की यही करता है। और इसकी एक यूनिट है कर्नाटका में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ है, इंडिया में है ये कर्नाटका में। तो उस यूनिट के पास पूरा हक है कि वो फ्लैग ऑफ इंडिया की सप्लाई करता है, और ये जो है खादी डेवलपमेंट विलेज इंडस्ट्री कमीशन की यूनिट है और इसके पास ही पूरा राइट है। ठीक है, तिरंगा बोलते हैं झंडे को हम हिंदी में, तीन कलर होते हैं, अशोक चक्र होता है मिडल में, तीन कलर सेफ्रॉन वाइट ग्रीन। अशोक चक्र धर्म के, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अशोक चक्र था वो यहाँ पे इसकी क्या साइज होगी ये डिफाइन नहीं किया फ्लैग कोड में, हालांकि 24 इसमें स्पोक्स होते हैं अगर आपने देखा होगा तो। और नेवी ब्लू कलर होता है, मतलब यहाँ पे नेवी ब्लू कलर में होता है अशोक चक्र जो हमारा फ्लैग होता है उस पर। ठीक है, रेशियो अगर बात करूँ लेंथ टू विड्थ या लेंथ टू हाइट, वो 3:2 होता है। आज़ादी से पहले ही एक्सेप्ट हो गया था, आज़ादी से पहले इंडियन फ्लैग हमारा बन के आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1947 में ही हमारा जो है ये एक्सेप्ट हो गया था इंडियन फ्लैग आज़ादी से पहले ही, याद रखिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिव्स हिज रिजाइनेशन टू प्रेजाइडिंग ऑफिसर, बिल्कुल सही, प्रेजाइडिंग ऑफिसर उसका एक्सेप्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता अगर उसको लगे कि ये जिनाइन नहीं है या वॉलेंट्री नहीं है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 18 सितंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी डिटेल आपको ये बता देता हूँ पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में सीट दो, अच्छा बहुत सारे तरीक़ों से वैकेट हो सकती है, बहुत है, जैसे वैकेट होने के बहुत तरीके हैं, जैसे एबसेंस, एबसेंस में है कि 60 दिन से ज़्यादा अगर बिना हाउस की परमिशन से कोई भी मेंबर सारी मीटिंग्स में वैकेंट रहता है, एब्सेंट रहता है बिना हाउस की परमिशन से, तो वो जो है यहाँ पे उसकी सीट खाली हो जाती है। हालांकि 60 दिन के अंदर अंदर ये देखना चाहिए कि ऐसा दिन नहीं गया हो जिसमें हाउस एडजोन रहा हो 4 दिन से ज़्यादा लगातार। 60 दिन तक अगर वो एब्सेंट रहे हाउस की परमिशन लिए बिना हाउस की मीटिंग्स में, तो ये उसकी सीट को वैकेंट कर देता है। ऐसे ही रिजाइनेशन जो मैं आपको बता दिया, राज्यसभा में राज्यसभा चेयरमैन को जाएगा, लोकसभा में स्पीकर को जाएगा, रिजाइनेशन एक्सेप्ट हो गया तो सीट खाली हो जाती है। अगर स्पीकर और चेयरमैन ने नहीं किया, अगर उनको लगा कि वॉलंटरी नहीं है तो वो नहीं कर सकते। डिस्क्वालिफिकेशन एक 10 शेड्यूल पढ़ा होगा आपने, जिस पे किसका पूरी तरीके से डिसीजन आता है, फाइनल किसका आता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। और आरपीए एक्ट है अपना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है आपके डिस्क्वालिफिकेशन है, तो ये जो है इसके तहत भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, याद रखिए। तो गाइज एक चीज़ और है, कोर्ट आकर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दे या वो आदमी जो है घर हाउस से एक्सपेल करवा दिया जाए, या फिर वो मेंबर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लो ऑफिस में इलेक्ट हो जाए या गवर्नर बन जाए, तो ये भी कुछ केसेस होते हैं जब उनको वैकेट करना पड़ता। और भी केसेस होते हैं डबल मेंबरशिप के, जैसे पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो जाए वो, या फिर सिटिंग मेंबर है एक हाउस का दूसरे में चले जाए, या फिर हाउस में एक ही हाउस में दो सीट में इलेक्ट हो जाए। लड़ते हैं ना कई बार लोकसभा में कि दो सीट से चुनाव लड़े जाते हैं ना, ताकि एक में हार जाए तो एक में जीत जाए, लड़े जाते हैं कई बार। तो ये ध्यान रखिए कि जीतने के बाद एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, तो कुछ केसेस है, पार्लियामेंट वाले को रिवाइज करिए। धन्यवाद, मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा और ये आपको याद रहेगा। गुड बाय।